हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव आनंद और मेरा नाम है नैतिक विक्रमसी और आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी नाइट स्काई ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे। जब भी हम आसमान में देखते हैं हमें लगता है कि गैलेक्सीज और नेबुलाज इजीली ऐसे दिख जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें उन्हें ढूंढना पड़ता है। सो उसका एक तरीका होता है, उसकी एक लोकेशन होती है, उसको देखने का एक टाइम होता है। सो इस वीडियो सीरीज में हम आपको बताएंगे कोई भी नाइट स्काई ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है एंड हर वीडियो में हम एक नाइट स्काई ऑब्जेक्ट को लोकेट करना सिखाएंगे। सो नैतिक, स्टार्ट करें। आज का हमारा ऑब्जेक्ट है बहुत ही फेमस ओरायन नेब्यूला। वो मेरा फेवरेट है, ओरायन नेब्यूला। हाँ, मेरा भी फर्स्ट इमेज किया हुआ ऑब्जेक्ट है ओरायन नेब्यूला। काफ़ी ब्राइट ऑब्जेक्ट है और उसको ढूंढना भी इतना मुश्किल नहीं है। ओके, ओरायन नेब्यूला ढूंढने से पहले हमें ओरायन कॉन्स्टेलेशन ढूंढना है। ओके, ओरायन कॉन्स्टेलेशन अगर आप रात को 8 से 9 बजे अगर आप आए आकाश के नीचे और मतलब ऊपर देखें तो ओरायन कॉन्स्टेलेशन एकदम आपको आपके सर के ऊपर दिखेगा और वो इतना ब्राइट कॉन्स्टेलेशन, सबसे ब्राइट कॉन्स्टेलेशन, उसको पहचानना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये उसकी फ़ोटो है जिसमें ओरायन कॉन्स्टेलेशन बताया हुआ है और यही कॉन्स्टेलेशन में एक नेब्यूला है जिसको हम बोलते हैं ओरायन नेब्यूला। ओके, तो ये कॉन्स्टेलेशन पहचानने का सबसे बड़ा ईजी तरीका ये है कि ये जो 3 स्टार दिख रहे हैं जो लाइन में, ओके, ये पहचानना बहुत ही ईजी है। ओके, तो ये जो 3 स्टार हैं, ये इसका नाम मैं बोलूँगा अलनीतक, अलनीलम एंड मिंटाका। ओके, और ये जो 3 स्टार हैं उसके बरोबर राइट में आपको ऐसा कुछ ऐसा स्मजी जैसा क्लाउडी जैसा कुछ दिख रहा है, वो और कुछ नहीं बट ओरायन नेब्यूला है। तो अगर आपके पास टेलीस्कोप है या बायनोकुलर है और इस 3 बेल स्टार में से किसी एक स्टार पर फोकस किया, जरा सा उसके राइट में जाएंगे तो आपके बायनोकुलर में से एक अजीब सा एक ग्लो एंटर होगा। और वो ग्लो कुछ नहीं बट द ओरायन नेबुला इटसेल्फ है। जो बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स है, स्टार्स वहाँ पे बॉर्न होते हैं, तो वही चीज़ आप आसानी से एक छोटे से बायनोकुलर या टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए फर्स्ट फाइंड करें ओरायन कॉन्स्टेलेशन और ये बेल्ट के 3 स्टार। जैसे ही बेल्ट के 3 स्टार मिले उसके राइट में आपको एक क्लाउडी ऑब्जेक्ट दिखेगा, दैट इज द ओरायन नेबुला। जब आप ओरायन कॉन्स्टेलेशन की तरफ देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो शिवजी के डमरू जैसा दिखता है और वेस्टर्न कल्चर में उसको बोलते हैं ओरायन द हंटर। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं वो एक हंटर की शेप जैसा दिखता है। एंड गाइस, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सब जाके एक बार ओरायन कॉन्स्टेलेशन देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत ईजी है फाइंड करना। कल रात को ही मैं देख रहा था एंड हम लोग लेजर लाइट से पॉइंट करके एक एक स्टार्स कनेक्ट कर रहे थे एंड फिर मैंने बायनोकुलर से देखना चालू किया और मेरे को जब वो ओरायन नेबुला दिखा, इट्स सो ब्यूटीफुल, और फिर मैंने उसको फोटोग्राफ भी किया। सो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है ये, जब हम स्काई की तरफ देखते हैं हम कुछ पॉइंट कर पाते हैं और उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। सो यही सब सीखेंगे हमारे ये वीडियो सीरीज़ में कि नाइट स्काई ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करना है। हम हर वीडियो में एक ऑब्जेक्ट आपको ज़रूर फाइंड करना सिखाएंगे, ईजी से ईजी तरीके से आप उस ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सके, यही हमारा टारगेट होगा। तो आप जाएँ और उसको ईजी से स्काई में फाइंड करें। Okay guys, thank you for watching this video and please subscribe to this channel for more videos like this and ye video apni family and friends ke sath share kijiye taki wo log bhi night sky ko observe kar paye and we would like to wish you clear skies.